बेगूसराय में अपराधियों के पीछे पड़ी स्पेशल टास्क फोर्स और बेगूसराय पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा निवासी कुख्यात अपराधी बम्बम महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या समेत 25 से ज़्यादा आपराधिक अधिक मामलों के आरोपी बम्बम महतो की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने इसके पास से 315 बोर का एक राइफल, एक लोडेड मास्केट, एक लोडेड देसी पिस्तौल तथा 5 गोली बरामद किया है। सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दिन सरेआम समसा मुखिया हेमा मौर्या की हुई हत्या के बाद से ही पुलिस बम्बम महतो की तलाश कर रही थी। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था तथा लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। रविवार की रात एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को सूचना मिली थी कि बम्बम साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चमन टोला के आसपास अपने साथियों के साथ पास छिपा हुआ है तथा किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद तुरंत एक्शन में आई एसटीएफ की टीम और बेगूसराय पुलिस ने बम्बम गिरोह को घेर लिया। इस दौरान उसने भागने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई मौका नहीं मिला और एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बम्बम महतो की गिरफ्तारी से कई बड़े कांडों का खुलासा हुआ है। बम्बम अपने गिरोह के साथ वारदात को अंजाम देकर सीमावर्ती खगड़िया जिला के फरकिया और दियारा इलाके में छुप जाता था, जिसके कारण पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इस बार मिली पक्की सूचना एवं एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छापेमारी की गई और गिरफ्तारी कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएन सिटी लैब न्यूज, बेगूसराय। बाईस तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि जिले का कुख्यात अपराधी बम्बम महतो, जो समसा नावकोठी का रहने वाला है, वो अवैध अग्नियास्त्र के साथ वहाँ पर साहेबपुर कमाल में इकट्ठा हुआ है। इसके सूचना के सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल, थानाध्यक्ष रिफाइनरी ओपी चिता बल और एसटीएफ पटना की टीम को शामिल किया गया। इस दल ने छापेमारी करके साहेबपुर कमाल के छर्रापट्टी जहाज घाट से बम्बम महतो को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध अग्नियास्त्र वहाँ से बरामद हुआ। बम्बम महतो से जब पूछताछ की गई तो उसने अभी हाल फिलहाल जो हत्या की घटनाएं हुई हैं, जिसमें प्रमुख घटना एक 31 जनवरी को हुई थी, समसा की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या किया गया था, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की, और दूसरी घटना जो 30 मई को हुआ था, जिसमें मसूदन महतो और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त बम्बम महतो पे पहले से भी 27 केसेस ऑलरेडी हैं जो गंभीर नेचर के हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, डकैती और आम साइब के केसेस शामिल हैं। इन सब केसेस में वो पहले से अपराधी रहा है। जिन केसेस में उसको जमानत मिली है उसका बेल कैंसिलेशन का हम लोग आगे प्रस्ताव भेजेंगे। और पूछताछ के बाद इनके द्वारा नावकोठी में ही समसा क्षेत्र में अपने अवैध अग्नियास्त्र रखने की बात बताई गई, जिसका सत्यापन और बरामदगी के लिए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें परिहारा, नीमाचांदपुरा, नावकोठी और बकरी के थानेदार शामिल थे। उस टीम ने छापेमारी करके वहाँ से 315 बोर का राइफल बरामद किया और साथ साथ जो हेमा मौर्य की हत्या में लाइनर की भूमिका में दो व्यक्ति थे, लेटन महतो और ललन महतो, इन दोनों को भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिला के इसके दोनों जगह रेड से हम लोग को 315 बोर का एक राइफल, एक मस्केट, एक देसी कट्टा, 10 कारतूस, 4 मोबाइल बरामद हुआ है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बम्बम महतो अभी जिले में सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अभी बेगूसराय जिले में वही था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया जा चुका था। इसके विरुद्ध आगे जो पीएमएलए के प्रस्ताव के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो इसकी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है अपराध के द्वारा, उसका पता हम लोग लगा रहे हैं। उसके पता चलने पर हम लोग पीएमएलए का प्रस्ताव भी समर्पित।